नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, जैसे दीपावली की बात हो रही है तो हम श्री रामचंद्र जी के बारे में जानना चाह रहे हैं, उनके जीवन के बारे में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी रामचंद्र जी की जन्मभूमि के बारे में, जो कि विवाद हमारे हाई कोर्ट में कहे तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और उसकी कल 27 अक्टूबर को लास्ट सुनवाई थी। इसका फैसला एक महीने के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में हमारे देश के लोगों को जानकारी बहुत कम है, हमारे देश के लोग बहुत कम इस बारे में जानते हैं कि क्या क्या आखिर ऐसे तथ्य हैं जो श्री रामचंद्र जी के जो अयोध्या पे है। हमारा जो समाज है वो तो हमेशा यही मानता आया है कि रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या थी। तो लेकिन बाद में कहा जाता है कि बाबर ने यहाँ पे आके मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जो कि फिर उसको ढाया गया। तो अभी हमारी प्रेजेंट में जो हालत है वो ऐसी है कि अब कोर्ट का जो फैसला है वो आने वाला है आपका इस एक महीने के अंदर, मतलब अभी कल सुनवाई समाप्त हुई कल 17 अक्टूबर को और 17 नवंबर तक इसका जो है इसका फैसला आ जाएगा। पहले भी इस मामले में बहुत बार ऐसा होते रहा है, हाई कोर्ट ने भी इसको किया इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करें, क्योंकि इस बारे में हम ज्यादा तो हमारे कहने का हिसाब से तो सही है, लेकिन क्या क्या आखिर घटनाएं घटी हैं यहाँ पे, जहाँ पे राम जन्मभूमि थी वहां पे क्या क्या घटनाएं घटी हैं। और अभी इस एक महीने के अंदर आपको बहुत सी ऐसी वीडियो भी मिलेंगी इस चीज के बारे में और बहुत से भड़काऊ वीडियो मिलेंगी जो हमारे देश में एक अशांति का माहौल बनाएंगी। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियो से बच के रहें। जब तक उसकी पूरी सच्चाई आप नहीं जाने तब तक उसको शेयर नहीं कीजिए। ये आपका एक सहयोग होगा देश की शांति व्यवस्था बनाए रखने में, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत जो मुस्लिम समुदाय है या हिंदू समुदाय, दोनों के जो फैसला है वो दोनों को मान्य होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हमारी सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जिस पर हम पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन आखिर ये ऐसा राम जन्मभूमि का जो ये मामला है ये आखिर हाईकोर्ट तक कैसे गया, इसके बारे में आपको कोई विस्तृत थोड़ा बहुत जानकारी आगे वीडियो में दूंगा। उम्मीद करता हूँ उससे आप समझ जाएंगे कि हमारा इतिहास जो था राम जन्मभूमि के बारे में बहुत पुराना था और जो हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख होता है, लेकिन जो कोर्ट है या फिर जो दूसरा समाज है वो इसको उतने अच्छे तरीके से मान नहीं पाता है। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दूंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों, आप लोगों से मैं बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई ऐसी वीडियो आपको मिले जो भड़काने का काम करती है देश में तो उसको शेयर मत कीजिएगा इस एक महीने के अंदर, तो खासकर क्योंकि इस एक महीने के अंदर ही वो फैसला आना है राम जन्मभूमि का। और इस बारे में बहुत से नेटवर्क ऐसे हैं जो सक्रिय हैं हमारे देश में शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए। आप सोचते हैं ये पॉलिटिक्स विषय है, बट मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल हटके जो आपको तथ्य दूंगा वो बिल्कुल पॉलिटिक्स से हटके है कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे ये विवाद खड़ा हुआ। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, देश की चलने वाली सुनवाइयों में राम जन्मभूमि का मामला जो है वो दूसरे स्थान पर है। सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला जो कोर्ट में जो सुनवाई है वो सबसे लंबी चलने वाली सुनवाई जो है वो केशवानंद केस की है, जिसमें मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया था, हमारे मानव अधिकारों को ये सुनवाई हुई थी उस टाइम पे। तो ये सबसे बड़ा मामला था, ये 68 दिन तक कोर्ट में चला था। और उसके बाद हमारा सेकंड पे आ गया राम जन्मभूमि का मामला जो अभी चल रहा है, जिसकी सुनवाई कल 17 अक्टूबर को खत्म हुई है और 17 दिसंबर तक इसका फैसला आ जाएगा। और दोस्तों, अगर सही बात कहें तो इस मामले को खींचने में जो है हमारे भारत की राजनीति का जो है वो बहुत बड़ा रोल रहा है। ये जो केस है वो इतना लंबा जो गया,
उसमें हमारी जो राजनीति पार्टियां हमारी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो ज्यादा टाइम तक इससे करते रहे, इससे अपना जो एक वोट बैंक है उसको अपनी ओर आकर्षित हमेशा करते रहे, तो ये एक बहुत बड़ा मामला आ जाता है इस चीज के लिए। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सन 1528 ईस्वी में यहाँ पर बाबर ने मंदिर को गिराकर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। और दोस्तों इस बात का पता तब चला जब सन 1949 में यहाँ मस्जिद में श्री रामचंद्र जी की मूर्तियां मिली, तो इस बात तब पता चला कि यहाँ पहले जो था राम मंदिर हुआ करता था, जो कि बाबर ने तुड़वाकर उसको उस वहां पे मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। और तब उस समय की सरकार ने वहां उस जगह को विवादित जगह के रूप में लेकर वहां पर उसको पूरा बंद करवा दिया था, ताला लगवा दिया था यहाँ पे। और बाद में इसका ताला खोला गया और सन 1986 ईस्वी में फैजाबाद के जिला जज ने इस विवादित जगह का जो था वो जो ताला यहाँ पे लगा हुआ था उसको खोलने का आदेश दे दिया। और तब ये ताला खुल गया और लोग अपने अपने स्थानों पे अपने अपने तरीके से पूजा करते रहे। तीन सभी धर्म जो जिन जिनकी जमीन थी वो हिंदू धर्म और मुस्लिम पक्षकार जो भी इसमें शामिल हैं इसे विवादित राम जन्म भूमि पे। और सन 1992 सन 1906 दिसंबर 1992 को जो वहाँ 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद थी उसका ढांचा गिरा दिया गया। जो विवादित जमीन थी वहां पर से बाबरी मस्जिद थी राम जन्मभूमि पे वहां से वो विवादित जो ढांचा था जो मस्जिद थी वो गिरा दी गई। और सन 1993 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई शुरू की। इस विवादित जमीन जो थी उस पर सुनवाई शुरू की और 17 साल बाद 23 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये 2.77 स्क्वायर फीट की जमीन थी, इसको 3 अलग-अलग हिस्सों में हाई कोर्ट ने बांट दिया। और अब जाके केस की जो सुनवाई है वो अब खत्म होने वाली है। इसकी लास्ट डेट आपको तो फिक्स, तो लास्ट डेट तो सुनवाई की जो थी वो कल थी। कल दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जो दलीलें हैं वो कोर्ट में पेश की थी। उसने मुस्लिम पक्षकार ने और जो राम जन्मभूमि अखाड़ा परिषद है उसने, तो इन दोनों ने अपनी अपनी जो दलीलें थी वो कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट में एक मामला ये भी है कि ये कोर्ट में हमारी आस्था का भी जो महत्व है वो उसको ध्यान में रखती है कोर्ट हमेशा, कोई भी फैसला सुनाने से पहले कि जो हमारी आस्था है किसी चीज पे उसके लिए कोर्ट बेहतर कैसे कर सकती है। तो दोस्तों जो भी फैसला आए हम लोगों को मान्य होना चाहिए दोनों पक्षों को, ये मेरा मानना है। और जहां तक उम्मीद है वहां तक, क्योंकि वहां राम जन्मभूमि के ज्यादा ही ऐसे संकेत थे जो पहले से पाए गए कि राम जन्मभूमि के ही पक्ष में जाएगा, राम मंदिर वहां पर एक बनेगा, ये ऐसा मैं मानता हूं और बनना चाहिए क्योंकि हमारे आस्था का सवाल है। वैसे वो भी मानते हैं लेकिन मंदिर पहले से था ये कई बार वो हो गया, कई बार प्रमाणित हो गया कि वहां पहले मंदिर था उसके बाद तोड़ के मस्जिद बनाई गई। यह उससे पहले से चलता हुआ मामला था, पहले भी वहां पर मंदिर था और ये मंदिर तोड़ के फिर मस्जिद बनाई गई, फिर बाद में मंदिर बना और फिर इसे तोड़ा गया। इसकी जानकारी के लिए आप ज्यादा अगर इस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मेरे ब्लॉगर पेज पे आप लॉगिन कीजिए, वहां मैंने पूरी पोस्ट लिखी हुई है क्या ये पूरा मामला था हमारे हाई कोर्ट से रिलेटिव जो हमारा फैसला आना है। और मेरा मानना है कि वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनेगा और हम जल्दी ही वहां पर राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। और हमारी दूसरी चीज, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इस वजह से आप फैसला आने वाला है 1 महीने के अंदर, तो
उम्मीद है वहां पर राम मंदिर बनेगा और ये फैसला सभी को मान्य होगा जहां तक। और ये मेरा एक अपना पर्सनल व्यू है कि मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर बनेगा, बाकी वो कोर्ट का फैसला जो भी होगा वो दोनों को मान्य होना चाहिए। ये कोई पॉलिटिक मुद्दा नहीं है, हमारे आस्था का सवाल है। ये भी लोगों को, ये भी कोर्ट को समझना होगा। और अगर हम जनसंख्या के आधार पे, हमारे अपने धर्मों के आधार पे देखें कि हमारी जनसंख्या कितनी कितनी है, तो उस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आगे। दोस्तों, हिंदुओं की जनसंख्या की बात करें तो 100 करोड़ हिंदू हमारे देश में हैं और 19 करोड़ मुसलमान, 2.5 करोड़ सिख और 3 करोड़ ईसाई, अन्य 2.75 करोड़ हमारे देश में धर्म के आधार पर जो हमारी जनसंख्या है वो 135 करोड़ है। तो ये 135 करोड़ किस इस धर्म के इतने इतने लोग हैं, इस वजह से हमारी 135 करोड़ जनसंख्या है। तो धर्मनिरपेक्ष देश है। और मेरा मानना ये था कि इसमें तो अगर हमारे देश के जो बड़े लोग हैं, जो इस मामले के मुख्य वो हैं, तो उन्होंने अपना बैठ के ही इस फैसले को कर लेना चाहिए, ताकि क्या है हमारे देश की छवि आगे बढ़ेगी। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत एक, और सभी धर्मों यहाँ पर रहते हैं और आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। तो इसका एक संदेश जाएगा विश्व में अगर दोनों पक्ष बैठ के वहां पर कोई सुलह करके कोर्ट के फैसले से पहले अगर ये कर लेते हैं, तो एक अच्छा संदेश जाएगा पूरे विश्व में और हमारे देश की छवि और आगे और अच्छी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया रामचंद्र जी के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत। अगर यहाँ इस कहीं पर कोई गलती हो तो आप मुझे सही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी नॉलेज कहीं से लेके ही ये चीज बनाई हुई है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप रामचंद्र जी के इस केस के बारे में जानना चाह रहे हैं, पूरे जीवन के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, तो भी मेरे ब्लॉगर पेज पे आप लॉगिन कीजिए। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, जुड़े रहे मेरे साथ एक छोटी सी कोशिश जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने की। जय श्री राम। आप भी बोलिए जय श्री राम।